आपका हाथ कोई पेपर नहीं है जो उसे काट सकते हैं, और आपका फेस कोई बुक नहीं है जिसको आप जज कर सकते हैं, ना आपका कोई लाइफ ऐसा नहीं है कि वो मूवी जिसको आप ख़त्म ही कर दें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, ये कैसे पूरा वर्क करता है। सो आई एम रोहम कुमार ऑफ रॉकस्टार रोहम सोलिस्ट। डिप्रेशन आजकल तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि पीपल अपना प्रॉब्लम शेयर करते ही नहीं किसी के साथ भी। एंड मेन फिजिकल चोट लगने से हम तो देख सकते हैं, जैसे कि कहीं चोट लग गया तो हम उसको देख सकते हैं, बट वही मेंटली होने से तो हम उसे देख नहीं सकते। पीपल कैन हाइड द इमोशंस बिहाइंड द स्माइल। इमोशंस में बहुत तरह के बीमारी हो सकते हैं, जैसे कि एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। एंड इसमें हम लोग डिप्रेशन को कवर करने वाले। डिप्रेशन लाइफ के कोई ना कोई फेस में तो इंसान का जिंदगी में आता है। एंड डिप्रेशन कभी तीन फैक्टर है कॉज करने, एक तो फिजिकल डिप्रेशन, फर्स्ट जब अपना लो सेल्फ एस्टीम रहता है तब आता है एक बार डिप्रेशन। फिर सेकेंड होता है इन्वायरमेंटल डिप्रेशन, जब आपके ऊपर अब्यूज़ हो रहा हो, पॉवर्टी हो या वायलेंस हो रहा हो तब होता है। थर्ड जेनेटिक्स डिप्रेशन, जैसे कि कोई दो ट्विंस हैं, एक ट्विंस को डिप्रेस्ड है एंड दूसरा ट्विन को हायर चांसेस है कि उसको भी डिप्रेशन होगा। एंड ये जो डिप्रेशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन से बना है, एक जीन से बना नहीं है। इसका सिम्टम्स हो सकता है जैसे कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद है करने में बट अभी आप करना नहीं चाहते, रेस्टलेसनेस, स्लोनेस, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर स्लोनेस, ज़्यादा सोना, माइंड काम नहीं करना, फीलिंग नो इमोशन, फीलिंग सैड एंड लोनली। पीपल अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते नहीं है एंड जो करते रहते हैं जो उनको पसंद नहीं है, जैसे कि वो डिप्रेस्ड होते हैं एंड वो किसी शेयर भी नहीं करते एंड उसके बाद उनको सुसाइडल थॉट्स भी आता है। पीपल तो सब अपने प्रॉब्लम से भागते हैं एंड डिप्रेशन वही समझ सकता है जिसको हुआ है। दूसरे लोग देख के इमोशन को फट से रिएक्ट कर देते हैं बट इंटरनली जो इंसान के ऊपर भी इतना वो वही जान सकता है। एंड डिप्रेशन से निकलने में बहुत टाइम लग सकता है एंड वो इजीली शेयर भी नहीं करते अपना इमोशंस। अगर आपको कोई सोशल मीडिया में दिखता है जो सैड पोस्ट कर रहा है तो आप उनको मैसेज या लाइक या कमेंट ना करें, जाके डायरेक्ट उसको कॉल करें, उससे बात करें कि क्या गलत है, कि क्या तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है, सब क्लियर करें, ताकि ये सुसाइडल थॉट्स शेयर करने से वो सब फीलिंग थॉट्स वो सब भी आना कम हो जाता है। तो हमें ये सब करना चाहिए, जो जिसको ये सब थॉट आ रहा है उसको थोड़ा गाइड करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। पीपल अपने मेंटल हेल्थ शेयर करें पीपल से जिसको आप पसंद करते हैं। अगर वो नहीं भी सुनते हैं तो भी तो किसी और से शेयर कर, लेकिन शेयर करें प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे जंक फूड होता है वैसे जंक कंटेंट कोई कोई पीपल कंज्यूम करके जैसे सोशल मीडिया उनसे कंपैरिजन करते हैं अपने आप को और उससे डिप्रेस्ड होता है। आप टू डू लिस्ट नहीं बने, टू बी लिस्ट बनाइए, जैसे कि क्या आपको बनना है आप वो बनाइए, वो उससे आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। एंड दूसरे की खुशी में अपना खुशी देखिए। एक संस्कृत वर्ड है और यूटिटा, MUTITA, उसका मतलब होता है कि दूसरों की खुशी में अपना खुशी ढूंढना। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप जहाँ पर है आप सही है, क्योंकि ये सब चीज़ आप देखते हैं, आपको ये रश करता है तो आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें एंड रश ना करें, क्योंकि आप टाइम टू टाइम आप सीखते जाते हैं एंड सीढ़ी एक स्टेप करके चढ़ा जाता है, एक बार में डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते ना। जैसे कोई भी चीज़ को रश करने ना दीजिए एंड अगर आप डिप्रेस्ड है तो जाके शेयर करिए अपना फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है, उसको एक बुलेट लगा और सेम जब उसको बुलेट वापस लगेगा तो उसको 10 times ज़्यादा पेन होगा। अगर वही थर्ड टाइम बुलेट वही जगह सेम लगेगा तो 1000 times ज़्यादा लगेगा एंड वो दर्द इतना अनबेरेबल होगा कि कह नहीं सकते। एंड सेम डिप्रेशन भी वैसे है,
जब तक आप शेयर नहीं करेंगे वो कम होगा नहीं, एंड वो पेन रख के बर्डन बनते रहेगा। और दूसरे की खुशी में आप अपना खुशी देखिए, क्योंकि आप अगर आपका स्क्वाड है, आपका कम्युनिटी है, उनके खुशी में आप खुशी देखेंगे तो आपके पास मिलियन रीजंस रहेगा खुश होने का। कोई भी चोट को ठीक करने के लिए उसको पूरा अच्छा से क्लीन करना पड़ता है। सो एज डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन कभी जैसे उसको आप एक बार हल्का से देख के छोड़ नहीं सकते, उसको आपको पूरा क्लीन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो बर्डन बन जाएगा और टाइम टू टाइम वो बढ़ते ही रहेगा। और उसको आप एक बार में क्लीन कर दीजिए एंड वो टाइम लेगा। कंसल्ट टू अ डॉक्टर और योर फ्रेंड एंड शेयर योर इमोशंस विद देम प्लीज़। एंड अपने ऊपर गुस्सा ना हो, क्योंकि बॉडी का पेन तो चल जाता है एक दो दिन में, बट इमोशंस का तो मंथ ले सकता है या ईयर भी ले सकता है। एंड ऑब्जर्व करिए कि वो पेन कैसा है, कहाँ पर है, उसका इंटेंसिटी कैसा है, एंड वो उसके साथ चल जाएगा। एंड यस, इमोशंस तो पासिंग क्लाउड जैसे, वो अभी डार्क है तो गरजेगा और बरसेगा और फिर कुछ टाइम बाद तो चल ही जाएगा और साफ स्काई हो जाएगा। अब परमानेंट उसको क्यों सोचते हैं कि वो परमानेंटली रह जाएगा, वो चल ही जाएगा। एंड डिप्रेशन भी वैसा है, डिप्रेशन को किसी से शेयर करेंगे और एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस चाहिए ताकि आपका डिप्रेशन अच्छा हो सकता है। आप ऐसा फ्रेंड बनाए, पॉजिटिव लोग के साथ रहे, पॉजिटिव गाना सुने, पॉजिटिव चीज़ देखे, पॉजिटिव मीडिया देखे, नेगेटिविटी से दूर रहे, जंक मीडिया से दूर रहे, एंड ऐसा लोग से सराउंड करे जो आपसे 10x ज़्यादा विजन रखता है, जो आपको आगे पुश करने का देते हैं। एंड इमोशंस तो क्या है, वो तो अभी है, बाद में चल ही जाएगा। एंड उसमें कोई डिसीजन लेने का नहीं है, अगर गुस्सा है तो कोई डिसीजन ना ले। आपका हाथ कोई पेपर नहीं है जो उसे काट सकते हैं, और आपका कोई फेस कोई बुक नहीं है जिसको आप जज कर सकते हैं, आपका कोई लाइफ ऐसा नहीं है कि वो मूवी जिसको आप ख़त्म ही कर दे। एंड इमोशंस के चलते आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, आप इमोशंस का मास्टर बने। एंड इमोशंस को अपना मास्टर मत बनने दे, क्योंकि मास्टर जो होता है वो दूसरा को कंट्रोल कर सकता है। सो आप इमोशंस का मास्टर बने। एंड आपको कोई अगर ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन में है उससे ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपको कैसा लगा ये बताइए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड आपको अगर कोई डिप्रेशन वाला ऐसे मिलता है तो उनको अच्छा वाइब्स दें, उनसे बात करें, उनसे फीलिंग शेयर करें, उन वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहते उनसे सब बात करें। सो होप करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पीस।